नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन मिश्रा और आप देख रहे हैं पीके हिंदी ज्ञान बुक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कहीं आपका भी मोबाइल किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि मेरा मोबाइल मेरे पास है और मैंने अपना मोबाइल किसी दूसरे को दिया भी नहीं है, तो उसे कोई हैक कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरा मोबाइल भी किसी ने हैक कर लिया है। तो दोस्तों, जो भी मैं किसी को कॉल करता हूँ तो जिसने मेरा मोबाइल हैक किया है वो अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहा है और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। अभी हमें कल ही पता चला है कि मेरा मोबाइल किसी ने हैक कर लिया है। तो दोस्तों, जब आपके मोबाइल को कोई हैक कर लेता है तो आपके डिवाइस का कंट्रोल उसके हाथ में पहुंच जाता है और वो आपकी डिवाइस का सारा डेटा कलेक्ट कर सकता है और आपकी जो वॉइस कॉल होती है उसे भी वो अपने डिवाइस में रिकॉर्ड कर सकता है। तो दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए मैं आपको 2 मेथड बता देता हूं जिन्हें फॉलो करके आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर डायल पैड पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ *#62#। फिर आपका जिस नंबर पर फॉरवर्डिंग लगा हो, जो भी नंबर आपका हैक हो गया हो, उस नंबर से आपको डायल करना है। तो मेरा एयरटेल का है, मैं एयरटेल पर डायल करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके आ रहा है कॉल फॉरवर्डिंग वॉइस 9935044567। इस नंबर पर हमारा कॉल फॉरवर्डिंग लगा हुआ है। तो ये किसने लगाया है मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। कल ही हमें मालूम पड़ा है कि हमारा मोबाइल जो है किसने हैक कर लिया है। तो अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डायल करना है *#00#, और फिर उसी नंबर से आपको डायल कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग एरेज सक्सेसफुल। तो दोस्तों, आप करेंगे तो आपका हो जाएगा, पर मेरे मोबाइल में ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आ तो रहा है, ये जो मैसेज आ रहा है इससे तो लगता है जैसे कि ये यहाँ से डिसेबल हो चुका है, पर ये हुआ नहीं है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ *#62#, और फिर यहाँ पर मैं डायल करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वही नंबर फिर से दिखा रहा है। तो आपका हो जाएगा पर मेरा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। वैसे ये 90% काम करेगा किसी भी मोबाइल में, पर मेरा नहीं हुआ है। तो मैं इसके लिए आपको जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर जो लेफ्ट में आप नीचे देख सकते हैं जो ये 3 डॉट की तरह दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। सॉरी दोस्तों, सभी मोबाइल में ऐसा नहीं होता है, पर जो कॉल सेटिंग है वो सभी मोबाइल में होता है। तो आप कॉल सेटिंग में आपको जाना है। मैं यहीं से कॉल सेटिंग पर क्लिक कर देता हूं। तो आप यहां पर थर्ड वाला ऑप्शन जो देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। इस पर क्लिक किया तो यहां पर जितनी भी आप सिम मोबाइल में लगाए होंगे वो यहां पर शो करेंगी। मैंने 2 सिम यहां पर अपने सेट में लगाया है तो ये दोनों यहां पर शो कर रहा है। तो मैं यहां पर एयरटेल वाला जो ऊपर है इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ इस वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा वेट कर लेना और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो 4 नंबर पर है इस वाले ऑप्शन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वही नंबर दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद वैसे तो मैं यहाँ पर देखिए टर्न ऑफ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर ऑफ करके दिखा देता हूँ तो ये ऑफ नहीं होगा। यहाँ से ये जो नंबर है यहाँ पर ये हटेगा नहीं, मैं ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर नंबर वही है भी, तो मैं यहाँ से ये वाला जो नंबर है इसे यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके बाद मैं एक दूसरा मेरे ब्रदर का नंबर है तो मैं उसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और अब अपडेट पर क्लिक कर देना है।
तो मैंने अपडेट पर क्लिक किया, ये थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो मैंने अपने ब्रदर का मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड किया है वो यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं। तो अब चलिए मैं देख लेता हूँ कि क्या अभी वही नंबर आ रहा है कि जो हमने ऐड किया है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो स्टार हैच और फिर है 62 हैच और क्लिक करके फिर मैं डायल कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो अभी मैंने जो नंबर यहाँ पर ऐड किया है वो यहाँ पर सीधे दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से हैकिंग से बच सकते हैं। अब आपका जो मोबाइल नंबर जो है वो फॉरवर्डिंग पर लगा डिसेबल कर सकते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।